नमस्कार दोस्तों, दो दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक किन्नर बुरी तरह से घायल हो चुका था। उस किन्नर के गर्दन पर तो वार हुआ था, साथ ही साथ उसका हाथ का जो हिस्सा था कलाई का वो कट गया था, जिसके वजह से उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ से उसको शताब्दी भेज दिया गया और शताब्दी के बाद सर्जरी नहीं होगी ये बोलकर उसको KEM अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ पर सारे किन्नरों ने जनता से एक मांग की थी, पुलिस वालों से मांग की थी कि जो अपराधी है उसे जल्द से जल्द पकड़ कर उसे सजा दी जाए। ऐसे में जो अपराधी है वो पकड़ा जा चुका है और उस अपराधी को मुंबई पुलिस ने, कांदिवली पुलिस ने जो है वो UP से पकड़कर मुंबई लेके आकर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, ये जो अपराधी है इसका नाम है भागवत चौहान, 20 वर्ष का है ये लड़का, जिसका खून जो है वो खौल गया जब ये किन्नर उसको बद्दुआ देने लगी और 3 रुपये के लिए, महज 3 रुपये के लिए जो ये है ये विवाद हो गया और ये जो है जान से लेने की जो कोशिश है वो की गई। ये कांदिवली पश्चिम में हुआ था, कांदिवली पश्चिम 90 फीट रोड पे ये जो युवक है ये अपना जो है वो नारियल पानी बेचने का धंधा करता था। ऐसे में पिछले 4 वर्षों से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है व्यवसाय कर रहा था और रोड पे करता था, लेकिन जिस समय सुबह 10:20 पर जब ये किन्नर 2 रुपये के लिए इसके साथ झगड़ा करने लगा कि मैं 2 रुपये नहीं बल्कि 5 रुपये दो, और 5 रुपये नहीं देने के लिए वो 2 रुपये जब किन्नर ने फेंके तो ये जो बंदा है उसने उसका ही कोयता जो है वो लेकर इस किन्नर पर वार कर दिया। ये वार इतना भयानक था, एक ही वार किया था उसने जो गर्दन पर किया था, लेकिन गर्दन पर वार करते समय किन्नर ने अपना हाथ जो है वो बचाव में डाला और उसकी कलाई जो है वो पूरी कट गई। इस तरीके से कलाई कटी कि उसके लिए उसको सर्जरी की भी ज़रूरत है और पता नहीं कि आगे कितनी और सर्जरी लगेगी। इस माहौल में जब 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये के लिए ऐसे घटनाएं होती है तो बहुत ही दुखद होती है। दोनों 20 और 23 वर्षीय थे, मारने वाला जो था वो 20 वर्ष का था, जो किन्नर थी वो 23 वर्षीय थी और किन्नर अभी भी जो है वो KEM में भर्ती है और अपना उसका जो इलाज है वो चल रहा है। आइए देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कांदिवली पुलिस के जो सीनियर हैं उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कैसे इस किन्नर को पकड़ा, और देखते हैं कि इसी जो मकसद में जो पिछले वीडियो में हमने जैसे आपको दिखाया था कि किन्नर ने क्या बोला है वो भी एक बार देखिएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि पूरा मामला क्या था। बुधवार 12/4/23 रोजी सकाळी 10 वाजता 90 फुट रोड लालजीपाड़ा येथे रीना शेख तृतीयपंथी महिला बस्ती मागण्यासाठी बस्ती मागत असताना इसम आहे त्याच्याकडे बस्ती मागत असताना नारळवाला आणि तिच्यामध्ये बाचाबाची झाली, त्यामुळे दोघांमध्ये बाचाबाची आणि शिवीगाळ झाली आणि ज्या त्याच्याकडे नारळ कापण्याचा जो कोयता होता तो त्यांनी रीना शेखच्या मानेवरती आणि हातावरती वार केले, ती जखमी झाली म्हणून तिला तेथील लोकांनी तिला ऑस्कर हॉस्पिटलमध्ये उपचाराकरता घेऊन गेले। ऑस्कर हॉस्पिटलवर ते उपचार करून परत तिला आंबेडकर हॉस्पिटल येथे औषधोपचाराकरता आणले, त्यानंतर तिला पुढील औषधोपचाराकरता KEM हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले। सदरचा इसमाची तांत्रिक आरोपीच्या तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपीचा मामाच्या गावातून देवगाव पोलीस ठाणे आजमगड उत्तर प्रदेश येथून त्यास ताब्यात घेतलं। सदर SHO ची कामगिरी ही माननीय अपर पोलीस आयुक्त पोलीस माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 11 मालवणी डिव्हिजनचे SAP धिवारसाहेब यांच्या मार्गदर्शन करण्यात आले। सदर गुन्हे प्रकटनचे अधिकारी भिसे परत API कदम साहेब यांनी त्यास ताब्यात घेऊन त्यास अटक केलेली आहे। धारे कोणते लावले? 307। आज तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो किन्नरों को इंसाफ मिलना चाहिए, किन्नरों को न्याय मिलना चाहिए, और जो हमारे साथ ये घात होता है तो मैं सबके आगे हाथ जोड़, देखो हमारी एम्बुलेंस जा रही है, हाथ जोड़ के हम ये कर रिक्वेस्ट करेंगे कि
हमारे को न्याय दो, क्योंकि हमारे किन्नर ने मांगने गया था वो, उसको 2 रुपया दिया, तो उसने बोला कि बाबू तो 2 रुपया मैं 5 रुपया करके तो दे, तो उसके ऊपर से उसने पैसा भी फेंका, ऊपर से उसने जब वो गर्दन पे उसे कोयता मारने गया ना, तो हमारा जो किन्नर था ना उसने बीच में तो हाथ लाया ना, तो उसका हाथ पूरा ऐसा कट गया है, पूरा ऐसा लटक रहा है हाथ। तो मेरा कहना यही है कि सिर्फ हमें इंसाफ दो, हमें न्याय दो, हमें कोई कोऑपरेट नहीं करता, हमें कोई साथ नहीं देता है, तो हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी हम वहाँ वहाँ तक जाएंगे, वहाँ वहाँ तक हमारे किन्नर। अभी तक हम शताब्दी में खड़े हैं, शताब्दी हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ से हमारे किन्नर को जवाब दे दिया गया है, यहाँ से केम हॉस्पिटल भेजा गया है, केम हॉस्पिटल में हमको क्या होता है वो हमें नहीं मालूम है। बट जो कांदेल के सीनियर जाधव साहब है उन्होंने हमको बहुत कॉपरेट किया है, जो जो आरोपी जो फरार है उसने, वो फरार है उसका कोई रिलेटिव पकड़े गया है, तो हमारा यही कहना है कांदेल पुलिस चौकी से, सीनियर साहब से सबसे यही कहना है कि जो हमारे किन्नर के ऊपर अन्याचार हुआ है, जो उसके ऊपर वो हुआ, उसके सिर्फ आप लोग न्याय दो और हमारे किन्नर समाज को न्याय दो, हमारे किन्नर समाज के लिए कुछ करो। सब बोलो न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किला प्रिय हम लोग को नाम क्या था वो किन्नर का? नाम गुरु बता, रीना नाम था, रीना, रीना, रीना शेख। और उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, इतना तो बुरा नहीं होना चाहिए था। एक इंसान है, इंसान के बदौलत टीजी है बोल के कुछ ऐसा पाप है क्या हमारे में? हम टीजी है बोल के हमारे से कोई गुनाह हुआ है क्या? हम भीख मांग के खाते हैं, हमको हमारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन हम मांग रहे तो देने का है, दे, नहीं देना है तो मत दे। इतना बड़ा क्या दुश्मनी थी, इतना बड़ा जो हादसा किया। एक सवाल और है कि जब हम लोग ने अभी वहाँ से बात की जब लोगों से, तो उनका कहना था कि जो 2 रुपये और 5 रुपये की जो विवाद था वो तो था, लेकिन इसी के साथ जो किन्नर थे उन्होंने, क्योंकि वो कपड़ा उठाया इसी वजह से उसने जो है वो वार किया और वो भाग गया। तो ये पूछना है कि एक डर होता है समाज में कि अगर किन्नर ने ऐसे कुछ अपना अंग दिखा दिया तो कुछ बुरा होता है, तो एक ऐसे डर होता है, तो इस डर के बारे में आप कुछ कहेंगे? सुनो, वो किन्नर कोई साड़ी नहीं पहना था, कोई मैक्सी नहीं पहना था, सलवार खमीज पहना है, वो कैसे उठाएगा? ये एक आपका मुद्दा है, इसमें वो जो बोलने वाला है वो पहले दोषी है कि सलवार खमीज पहना है। मैं साड़ी पहनी हूँ और उठाने में मुझे आसान होगा, लेकिन वो सलवार कमीज पहना तो वो क्या दिखाएगा, कैसे उठाएगा? उसको भी तो कुछ है। हमारे में ये जो दोष दे रहे हैं ना कि साड़ी उठाते दिखाते, ये हमारे साथ ज़्यादा बर्ताव गंदा, हमारे ऊपर ज़्यादा अन्याचार होने के बाद जब हमको कोई सहारा नहीं रहता, वो बहुत मुश्किल है घड़ी। हमको क्या हमारा शरीर दिखाने की कोई ये आश है या तमन्ना है? हम क्यों दिखाएं किसी के सामने? हमारी मुश्किल, हमारा सब दुख हम हमारे पास रखते हैं। हम आते हैं आपके पास, दाता है 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देगा तो हम हमारा चलेगा, लेकिन हमको क्या है कि हमारा शरीर दिखा। उसको इतना था तो उसको मारना नहीं था, जान से मारना था उसको। क्या वो गुनाह किया था क्या कोई सजा? अरे गुनहगार वो है जो कोयता उठा के उसके गले पे मारा, उसके हाथ पे मारा। उसको ये था कि नहीं, जो बोला है जो ये जो जवाब या लफ्ज जो निकाला है कि वो कपड़ा उठा रहा था, तो ये कपड़ा उठाने के लिए भी उसका कपड़ा उठाने के लिए भी उसके सामने वो कैसे उठाएगा? वो भी तो एक इंसान है, 4 बहन 4 भाई खड़े रहते, हम मंगना रहता तो हम धक्का दे के लेंगे। उसको चाहिए था, बोल सकता था भैया आप आगे जाइए, बेंडा आप आगे जाइए, लेकिन वो ऐसा नहीं, जाने के बाद रिटर्न बुला के उसको ऐसा किया है। अच्छा, और रही बात जो कपड़े उतारने की बात हो रही है, जो कपड़े हमारे किन्नर समाज के लोगों ने उतारा है, जो वहाँ पे तमाशा किया है, वो ऐसे ही नहीं किया है। स्टार्ट में जब हम हॉस्पिटल में थे वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी, सामने से प्राइवेट हॉस्पिटल ने 1.5 लाख रुपया मांगा, हम भीख मांगने वाले इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जी? करने वाला तो करके चला गया, हमने पुलिस वालों से ये कहा कि भाई उसको पकड़ो, उससे भरपाई करवाओ, हम यहाँ इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना अमाउंट हमारे पास नहीं, हम 1-1, 2-2 रुपया भीख मांगते 10 के दरवाजे जाके। सीनियर ने मदद की है, अभी हमारे साथ में सपोर्ट किया है, वो भी वो तमाशा होने के बाद जब सीनियर आए हैं वहाँ पर, हमारे बच्चों ने तमाशा किया वहाँ पे जाके, उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला, तब वहाँ पे कपड़े लोगों ने उतारे जबकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद जब हमारी सुनवाई हुई, हमने पुलिस वालों को कोऑपरेट किया, पुलिस वालों ने हमें कोऑपरेट किया है, बस उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उसको पकड़ेंगे और जो भी है उसको सजा दिलवाएं। बस हमको हक चाहिए, बस हमको हक चाहिए, बस हमारे साथ कोई नहीं है,
हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप लोग मिलके हमको हक दिलाओ, क्योंकि ये आज एक के साथ हुआ, कल हम सब किन्नर बहन के साथ होगा, ये आज हो गया कल हमारे सब बहन के साथ होगा, नहीं तो हमको कोई सरकार से हमारे लिए कुछ बोलो, हमारे लिए बात करो। ये आज ये दवाखाने में हम आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ये दवाखाने में तो आज हमने अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिले कि ये नस के लिए कुछ करने, लेकिन आज हमको कैंप भेजा गया। सुबह 10 बजे हुई है वारदात, 10:15 पे हुई है वारदात, अभी 2 बजे है, आपके पेशेंट अभी भी कहीं पे भी एडमिट नहीं हो पा रहा है, अभी उसको कैंप भेजा गया है। कैंप जाने के लिए हमारे पास क्या है सुविधा, हमारे पास कुछ है यहाँ से कैंप जाने के लिए कितना, फिर भी हमारे जाधव सर ने एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनके लिए हम बहुत आशा रखते हैं कि वो हमारे साथ ऐसे बने रहे, हमारे को हमारा जो गलती किया है, जो हमारा दोषी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के सजा दीजिए। धन्यवाद। हम लोग को न्याय दिलाइए आप लोग।